हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे गेम में फाइनली OB43 का अपडेट आ चुका है। और गाइस देखो क्या होता है ना, अपडेट के बाद, हर एक अपडेट के बाद हमारा जो गेम का सेंसिटिविटी होता है वो गाइस एकदम पूरा खराब हो जाता है। तो इस वजह से गाइस हम लोग का जो पहले वाला जो हेडशॉट लगता था वो गाइस अभी नहीं लगता है। सो गाइस देखो, गेम को अपडेट करने के बाद ही गाइस देखो आप लोगों के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा अपडेट के बाद, वो गाइस मैंने फाइंड कर लिया है। ऊपर से गाइस देखो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो गाइस अपडेट के बाद वर्क कर रहे हैं, जो गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो गाइस आप लोग का जो वन टैप हेडशॉट जो पहले नहीं लगता था वो गाइस अभी लगेगा अपडेट के बाद। तो ये वीडियो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। मैं आप लोगों को बेस्ट वन टैप के लिए सेंसिटिविटी दूंगा। ऊपर से गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या-क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो करना है। तो गाइस देखो फटाफट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं वो गाइस 7K लाइक्स रखते हैं। गाइस आप लोग प्लीज 7K लाइक्स फटाफट करा देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो गाइस प्लीज यार जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 4 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करना है यार। और प्लीज गाइस वीडियो को आजकल आप लोग शेयर नहीं करते, थोड़ा एक दो भाई दोस्त के साथ शेयर कर दो ना, जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री फायर का, उधर गाइस आप लोग शेयर कर दो। सो गाइस चलो अभी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं। सो गाइस देखो, आप सभी लोगों को बताया, अपडेट करने के बाद हमारा जो सेंसिटिविटी होता है ना वो फ्री फायर वाले कम करते थे या फिर बढ़ा देते हैं। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस बार का अपडेट के बाद आप लोगों का जो सेंसिटिविटी है ना वो गाइस बढ़ा दिया है फ्री फायर वालों ने। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, हर एक कुछ सेम रखना है, रेड डॉट आप लोगों को सेम रखना है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बोला था कि रेड डॉट से वन टैप का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको गाइस आप लोग 100 रखना, 2x स्कोप, 4x स्कोप को गाइस आप लोग 100 रखना, स्नाइपर स्कोप को गाइस आप लोग 70 रखना, और बाकी गाइस प्री लुक कोई काम का नहीं है। और गाइस देखो आप लोगों को चेंज यही करना है, मैंने आप लोगों को बोला था जनरल आप लोगों को 100 रखना है, बट मैंने आप लोगों को बता दिया इस बार थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा कर दिया है। तो गाइस आप लोगों को जनरल ना थोड़ा कम कर देना है, आप लोगों को ये 97 रखना है। आप लोग 95-97 के बीच में कोई भी रख सकते हो, ये गाइस आप लोग एक बार ट्रेनिंग में जाके ट्राई करना, बट मैं आप लोग बोलूंगा आप लोग पहले 97 रखो, 97 में अगर आप लोग का सूटेबल होता है तो वही रहने दो, वरना गाइस आप लोग थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। तो सेंसिटिविटी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं अपडेट के बाद एक जो टेक्निक सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है वन टैप में वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो जैसे ही अपडेट आया मैं गाइस तुरंत मतलब अपने दोस्त को बुला के रूम खेलने बैठ गया, और रूम में गाइस मैं बहुत सारा टेक्निक ट्राई कर रहा था, बट मेरे को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था ना वो गाइस स्विचिंग टेक्निक में। गाइस देखो जब भी आप लोग वन टैप मारे हो ना गाइस, आप लोग गन स्विच करके मारो गाइस, इससे मैंने देखा है अपडेट के बाद बहुत ही ज्यादा ओपी हेडशॉट लग रहा है। आप लोगों को क्या करना है, दो गन लेना है, एक गन से वन टैप मारो, अगर आप लोग मिस जाता है तुरंत से गाइस आप लोग गन स्विच करके फिर से और एक गन से वन टैप मारो, जैसे कि मैं बैकग्राउंड में मार रहा हूं। ऐसे ही गाइस आप लोगों को करना है। आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, ये गाइस बहुत सारे पीसी प्लेयर भी करते हैं या फिर बहुत सारे जो तगड़े तगड़े मोबाइल प्लेयर है ना वो भी करते हैं। और आप लोगों जो ये जो क्विक वेपन स्विच वाला जो ऑप्शन है ना, इसको गाइस आप लोगों को ऑन कर देना है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोग एकदम तगड़ा वाला गेम प्ले चाहिए, तगड़ा वाला एक्यूरेसी चाहिए या फिर तगड़ा वाला गाइस अगर आप लोगों को मूवमेंट स्पीड चाहिए, तो गाइस आप लोगों को 3 फिंगर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और अभी तक गाइस अगर आप लोग 3 फिंगर में शिफ्ट नहीं हुए हो तो फटाफट गाइस आप लोग 3 फिंगर में शिफ्ट हो जाए, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो 3 फिंगर के लिए कुछ बेस्ट ऐसे कस्टमेचुड़ी मैंने चुन चुन के निकाले जो गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके ऊपर गाइस देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। और आप लोगों को 3 फिंगर के लिए कुछ ऐसे बेस्ट कस्टमेचुड़ी मिल जाएंगे जो गाइस आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो गाइस अगर आप लोग शॉटगन वगैरह से खेल लो, जैसे कि आप लोग का मतलब M1887 हो गया, M1014 हो गया, Spark 12 हो गया, ये सब गन से अगर आप लोग खेल लो ना, तो गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो अपना एम है जब भी गाइस आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करो वो गाइस आप लोगों को पहले वाइट रखना है। जब भी आपका एम वाइट होगा उसी टाइम में गाइस आप लोगों को ड्रैग करना है, तभी गाइस आप लोगों का हेडशॉट लगेगा। और ये ट्रिक गाइस अपडेट के बाद बहुत ही ज्यादा ओपी वर्क कर रहा है। जब भी गाइस आप लोग शॉटगन वगैरह चला रहे हो, आप लोगों को ऑलवेज अपना जो एम है वो वाइट ही रखना है और एनिमी के हेड के आसपास रखना है, ऊपर ही रखना है, नीचे रखोगे तब नहीं होगा, तो एनिमी के हेड के आसपास ही रखना है और गाइस आप लोग फायर कर देना, गाइस आप लोगों का हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस अगर आप लोग लॉन्ग रेंज गन यूज कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों का वुड पेकर हो गया, SVD हो गया, SKS हो गया, डेजर्ट ईगल हो गया, तब गाइस आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग वन टैप के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तब गाइस कभी भी आप लोगों को अपना जो एम है वो वाइड नहीं रखना है। देखो शॉटगन के लिए आप लोगों को अपना एम वाइड रखना है फिर ड्रैग करना है, बट अगर आप लोग SVD वगैरह चला रहे हो, वुड पेकर वगैरह चला रहे हो, तब गाइस आप लोगों को अपना जो एम है वो एनिमी के बॉडी पे रखना है, फिर गाइस आप लोगों को ड्रैग करना है, मतलब आप लोगों को अपना जो एम है वो रेड रखना है, रेड करने के बाद ही आप लोग ड्रैग करना है, देखना तब आप लोगों का हेडशॉट लगेगा। और ये गाइस देखो मैं कस्टम खेलते वक्त ही देखा हूं, गाइस देखो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लाता, पहले गाइस ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करने के बाद एक जगह लिखना पड़ता है कि क्या क्या डिफरेंस हुआ, उसके बाद गाइस एक टोटल वीडियो आता है, तो वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बट ये सब करने के बाद भी गाइस व्यूज नहीं आता है तो भाई खराब लगता है यार। तो इसलिए गाइस आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना इस वीडियो को।
सो शॉटगन अगर आप लोग चला रहे हो तो गाइस वाइट एम पे आप लोग अटैक करना है, और अगर आप लोग लॉन्ग रेंज गन चला रहे हो वुड पे कर ये सब, तब गाइस आपको अपना एम जो है वो रेडी रखना है, उसके बाद ही आप लोग को अटैक करना है, तभी आप लोग का जो वन टैप है वो इजी लगेगा। फोर्थ नंबर जो ट्रिक होगा गाइस, मैं आप लोग को एक ऐसा कैरेक्टर बता दे रहा हूँ जो गाइस अगर आप लोग यूज करोगे ना तो वन टैप मारने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, आप लोग का वन टैप का जो खेल है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को डीबी का यूज करना है। देखो डीबी जब भी आप लोग यूज करोगे ना, तो जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करोगे आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो 30% बढ़ जाएगा, और आपका जो एक्यूरेसी है वो 60% बढ़ जाएगा, मतलब आप लोग को वन टैप हेडशॉट देने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो गाइस, देखो मैं आप लोग एक ड्रैग स्टाइल बता दे रहा हूँ, जब भी आप लोग ड्रैग करोगे तो कैसा स्टाइल पे आप लोग को ड्रैग करना है, और आप लोगों के लिए मैं एक बेस्ट फायर बटन का साइज बता देता हूँ जो कि गाइस आप लोग यूज कर सकते हो। अब देखो आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे आप लोग को रोटेशन ड्रैग ही यूज करना है, स्ट्रेट ड्रैग आप लोग को नहीं करना है, तो गाइस देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में तब गाइस आप लोग को रोटेशन ड्रैग का यूज करना है, मतलब आपने फायर बटन को नीचे ला के ऊपर करना है, वो शॉर्ट रेंज में रोटेशन ड्रैग ही सबसे ज्यादा वर्क करता है। स्ट्रेट ड्रैग करोगे तब गाइस आप लोग का जो हेडशॉट है वो नहीं लगेगा, बट गाइस कोई बंदा अगर लॉन्ग रेंज में तब गाइस आप लोग रोटेशन ड्रैग का यूज करोगे तो हेड नहीं लगेगा, तो गाइस तब आप लोग को स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना, मतलब शॉर्ट रेंज में आप लोग को रोटेशन ड्रैग का यूज करना है, और लॉन्ग रेंज में गाइस आप लोग को स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है। यही छोटा सा चीज है जो गाइस अगर आप लोग दिमाग में घुसा लोगे ना तो गाइस आप लोग का जो वन टैप है वो बहुत ही ज्यादा ओपी लगेंगे। और गाइस देखो मैं आप लोगों के लिए जो बेस्ट फायर बटन साइज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है वो है 45 से, गाइस देखो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही ज्यादा ओपी वन टैप हेडशॉट लगता है, तो गाइस आप लोग जरूर से एक बार 45 करके देख सकते हो। 45 में क्या होता है ना, फायर बटन थोड़ा सा छोटा होता है, तो जितना छोटा होगा गाइस ऊपर ड्रैग करने का जो स्पेस है वो आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, और थोड़ा सा गाइस आप लोगों को नीचे की साइड रखना है, राइट साइड में थोड़ा सा आप लोगों को नीचे की साइड रखना है, इससे जब भी आप लोग ड्रैग करोगे ऊपर ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो गाइस आप लोग फटाफट ड्रैग कर पाओगे और आप लोगों का जो हेडशॉट है वो इजी लग जाएगा। और लास्ट में गाइस देखो मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक बता देता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस आप लोगों को दिन का 15 मिनट गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग में खेलना है, ट्रेनिंग में गाइस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो गाइस आप लोगों ने सुना ही होगा, तो गाइस आप लोगों को दिन का 15 मिनट, ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, 15 मिनट्स गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग में बिताना है, ट्रेनिंग में गाइस आप लोगों को वन टैप का ट्राई करना है, जो भी मैंने ट्रिक बोला वो गाइस ट्रिक आप लोग फॉलो करना, ट्रेनिंग में गाइस देखना आपका जो वन टैप है वो पहले से बहुत ही ज्यादा ओपी लगेगा, और गाइस आप लोग गेम में कॉन्फिडेंटली एनिमी को हेडशॉट दे पाओगे, मतलब बोल के वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। और हाँ गाइस देखो, अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट जाके मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, 5000 फॉलोअर जल्दी से जल्दी करा देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना, और आप लोग कमेंट में भी बता देना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और गाइस देखो अगर आप लोगों को आपके फोन के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी चाहिए ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को सीएस टैंक में कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।